हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। आज संडे है, आज आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन कल जो है आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम है। और इंग्लिश के एग्ज़ाम को लेकर आप लोग इतने चिंतित हैं कि हम क्या बताएं, लेकिन आपको बता दे रहे हैं इंग्लिश का एग्ज़ाम इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इंग्लिश से रिलेटेड आज ऐसे ऐसे टॉपिक्स हम बताएंगे जिनमें से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी जो हैं हम आपको बताने वाले हैं जिनसे जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड में। तो आप चिंता नहीं करें, हमारी बातों को जो है गौरपूर्वक सुनेंगे तो कल का एग्ज़ाम जो है बेटर नहीं बेहतर जाएगा। हम क्लास सिर्फ उन लोगों के लिए करते हैं जिनको हमारे ऊपर जो है ट्रस्ट बना हुआ है, यानी कि उनको लगता है कि हम जो कहेंगे वो एग्ज़ाम में आता है, तो वही लोग इस क्लास को देखेंगे, बाकी लोग जो है इस क्लास को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि हम उन लोगों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं जिनको मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव। सर, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव जो है कहाँ से क्या करें कि ऑब्जेक्टिव जो है कल हम 50 में 50 क्लियर करके आएं। यकीन मानिए आज का ये क्लास जो है आपके कल के ऑब्जेक्टिव को 50 में 50 क्लियर करवाने वाला है। तो क्या करेंगे, तो आपने मॉडल सेट तो खरीदा ही होगा, बिहार बोर्ड की तरफ से जो आया होगा ऐसा जो है मॉडल सेट होगा आपका। तो मॉडल सेट जो है आपने अगर खरीदा है तो इसके जो है मॉडल सेट वन, यानी मॉडल सेट वन, इसके जो है इंग्लिश के मॉडल सेट वन, उसको क्या करना है। इंग्लिश के मॉडल सेट वन जो बिहार बोर्ड की तरफ से आया है, ठीक है, ये मॉडल सेट जो है बिहार बोर्ड वाला जो है ऑफिशियल है, तो इसके इसके जो है आपके ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं आज दिन भर में 3 बार पढ़ना है। हम ये वीडियो सुबह किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि जो है आपको रटना नहीं है, 3 बार सिर्फ पढ़ना है आपको। सुबह में ये वीडियो देखने के बाद पढ़ना है, फिर दोपहर में एक बार पढ़ना है, और शाम में पढ़ना है। यकीनन इसके 100 ऑब्जेक्टिव जो हैं आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। अब कहिएगा कि आखिर ये यादें कर लिए तो इसे प्रॉफिट क्या है। सर, यहाँ से 20 गो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 100 गो मॉडल सेट में से 100 गो ऑब्जेक्टिव में से 20 गो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आने वाले हैं। अब कहाँ से आएंगे क्वेश्चंस? क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक जिनके पास नहीं है यकीनन उनका एग्जाम जो है कल खराब जाने वाला है। क्वेश्चन बैंक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बैंक के पढ़ना क्या है, 2015 बहुत कम ऑब्जेक्टिव होगा 2015 में, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020, इन सभी के ऑब्जेक्टिव अगर आपको याद हो गए यकीनन कल के एग्जाम में हम लोग 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर करके आएंगे। इसमें जो है बहुत कम ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, 18, 19, 20 में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हैं। तो यहाँ से जो है 18, 19, 20 में 20-20 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, और ये तीनों के मिला के 20 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो टोटली जो है हम लोगों का 100 ऑब्जेक्टिव हो गया। 20 मॉडल सेट से वो पूछेगा, 15, 16, 17 से 20 पूछेगा, 18 से 20 पूछेंगे, 19 से 20 पूछेंगे, और 20 से 20 पूछेंगे, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं। अब क्लियर करें तो आखिर जो है हम कैसे बना पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का डिमांड है कि सर लाइव आइए, लाइव आकर जो है सॉल्यूशन करवाइए। यकीनन जो टीचर्स आपको एग्जाम के टाइम में लाइव आ रहे हैं आपके समय को बर्बाद कर रहे हैं। समय बर्बादी नहीं करना है, वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस बैंक के जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने आ रहे हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं, और आपकी समय को जो है बर्बाद कर रहे हैं। तो लाइव क्लास में आपको जाना नहीं है, हम मना कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप जो हैं हमारे परिवार के सदस्य के तरह हैं। जिस तरह हम आपको समझा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हम अपने परिवार के सदस्य को ही समझा रहे हैं, इसीलिए हम समझा रहे हैं। अब लाइव क्लास समाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, क्योंकि मिलने से क्या होता है ना, लाइव आने से समय की बर्बादी होती है। तो हम यही बता रहे हैं, समय बर्बाद नहीं करना है। क्वेश्चंस बैंक के 15, 16, 17, 18, 19, 20 जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आपके माइंड में रहने चाहिए, ठीक है। आज सिर्फ 3 बार, यकीनन 3 बार इसको सुबह शाम दोपहर पढ़ लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव के मॉडल सेट वन
मॉडल सेट वन ऑब्जेक्टिव 100 में से 100 तीन बार आज, यकीनन कल के एग्जाम में जो है 50 में 50 हम लोग क्लियर करके आएंगे, ठीक है। 50 में 50 इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्लियर करके आएंगे। तो इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव के बाद खत्म हो गया, यानी कि जितने भी डाउट्स थे आपके कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये जो है आपके डाउट्स क्लियर हो गए। अब आते हैं सब्जेक्टिव पे। तो सब्जेक्टिव जो है एक नंबर दो नंबर क्वेश्चन पैसेज होता है, पैसेज जो है ट्रिक से बताया गया है, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तीन नंबर भी पैसेज होता है लेकिन पोयम रहता है, यानी कि कविता के खोज के आंसर उसका लिखना है, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ट्रिक से बताया गया है। और चौथा नंबर क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन आंसर, यानी कि 10 को क्वेश्चन रहता है, उनमें से जो है आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो वे ऐसे क्वेश्चन हमने गेस कर लिए हैं, और इस वीडियो के बाद जो है वही वीडियो आने वाला है आंसर के साथ, ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कल छपने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद लेटर और अप्लीकेशन, तो अप्लीकेशन का वीडियो जो है ऑलरेडी बहुत पहले ही प्रोवाइड किया गया है, लेकिन इस वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो है उसका भी लिंक है, वहां से जाकर आप अप्लीकेशन लिखना सीख सकते हैं एकदम ट्रिक के माध्यम से। लास्ट इंग्लिश का वीडियो बचा हुआ है, तो वो है क्वेश्चन आंसर का, इस वीडियो के बाद ही जो है वो क्वेश्चन आंसर का वीडियो आने वाला है। उसके बाद आप लोगों का ज्यादातर डिमांड है कि संस्कृत का जो है कंप्लीट करवाइए, ऐसा कंप्लीट करवाइए कि हम लोगों का मैथ जो खराब गया है वो जो है मेंटेन कर सके। संस्कृत और हिंदी, संस्कृत की चिंता ना करें, संस्कृत के लिए 5 वीडियो जो है हम बना कर रखे हुए हैं, वो जल्द ही जो है आपके सामने, यानी कि इंग्लिश के जैसे ही एग्जाम खत्म होंगे वो जो है आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें हम डाले हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, वही लोग इस वीडियो को देखेंगे जिनको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, बाकी सब जो है इग्नोर कर सकते हैं। तो टाइम की बर्बादी नहीं होते हुए भी जो है इस वीडियो को समाप्त किया जाए। आपको अच्छा लगा है तो आप जो है इसको लाइक कर सकते हैं, वरना जो है आपको जो लगे वो कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।